नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग जनवरी मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि यूपीपीसीएस 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे, और आने वाले टाइम में पुराने मंथ्स की भी हम लोग यहाँ पे वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे आपके एग्जाम के लिए ये बहुत फ्रूटफुल होंगी, फायदेमंद होगी। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है। कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो कमेंट करना है, जिससे हम आने वाली वीडियोज़ में उन फीडबैक और सजेशन को यूटिलाइज कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यदि आपको करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन मिलेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देर करे आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना यदि पसंद आती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला सवाल दोस्तों, एक धनु यात्रा फेस्टिवल है दोस्तों, लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल, ये कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया? तो उड़ीसा इसका सही उत्तर है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने दोस्तों एक कंजर्वेशन ऑफ नीलगिरी तहार एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका कॉस्ट 25 करोड़ है करीब? तमिलनाडु इसका सही उत्तर है दोस्तों। किस पर्सनैलिटी को शी हैज़ बीन नेम्ड एज वन ऑफ द टॉप टैलेंट्स ऑफ यूरोप इन बायोलॉजी? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है EMBO, आपको मुझे हेडक्वार्टर बताना है कहाँ पे है, और इन्होंने महिमा स्वामी जी को एक तरह से टॉप टैलेंट्स के रूप में नामांकित किया है। इलेक्शन कमीशन ने दोस्तों प्रपोजल दिया है रिमोट वोटिंग का, किसके लिए? डोमेस्टिक माइग्रेंट्स के लिए। आपको मुझे बताना है इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में है, और प्रेजेंट में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है CEC, आपका मुझे कमेंट करके नाम बताना है। जो हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट के नितिन गडकरी जी, उन्होंने जुआरी ब्रिज इनॉग्रेट किया कौन से स्टेट में? गोवा में। गोवा की कैपिटल पणजी है, और चीफ मिनिस्टर का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए, गोवा में चीफ मिनिस्टर कितने? बिकॉज हाल ही में गोवा में इलेक्शन हुए थे, तो हो सकता है। और आपको ये भी बताना है कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी सीट्स हैं, ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक अपॉइंटमेंट किया है लक्ष्मी सिंह जी का, जो कि IPS ऑफिसर हैं, और ये दोस्तों पहली ऐसी महिला हैं जो कि एक कमिश्नरेट को हेड करेंगी। तो नोएडा जो कमिश्नरेट है उसको हेड करने वाली पहली महिला IPS ऑफिसर हैं लक्ष्मी सिंह। दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द UPPCS। भारत ने अपनी जो अप्रैल से नवंबर फिस्कल डेफिसिट है वो 58.9% है दोस्तों फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट डेटा है, आपको याद रख सकते हैं तो रख लेना। इन 2022 सिक्स एनिवर्सरी दोस्तों सेलिब्रेट करी गई इंडिजीनियसली डेवलप पेमेंट एप्लीकेशन भीम की, तो भीम की दोस्तों छठी वर्षगांठ मनाई गई 2022 में। विच स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वर्स्ट परफॉर्मिंग? RTI के मामले में दोस्तों सबसे जो खराब परफॉर्मेंस है तमिलनाडु स्टेट की है, मतलब आप कुछ भी RTI मांगते रहिए वो प्रोवाइड करने वाले नहीं है। विच स्टेट पुलिस हैज़ रिसीव्ड द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस अवार्ड 2022? ये दोस्तों निजात कैंपेन के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला है, और आप मुझे बताना है कि निजात कैंपेन किससे रिलेटेड है। हु हैज़ इनॉग्रेटेड मेगा डेयरी एट द मांडिया इन कर्नाटक रिसेंटली? अमित शाह, जो कि होम मिनिस्टर भी हैं, और इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, आप मुझे उसका कमेंट करके बताइए क्या नाम है उसका। अकॉर्डिंग टू द कोलकाता मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, इंडिया की पहली अंडर वाटर जो मेट्रो सर्विसेज है ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड। कब तक दोस्तों ये कम्प्लीट हो जाएगा अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट? दिसंबर 2023 तक। अजय कुमार श्रीवास्तव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD & CEO ऑफ विच बैंक? इंडियन ओवरसीज बैंक। Who has won India's first ever silver medal in the FIDE World Blitz Chess Championship in the Almaty, Kazakhstan? Konaru Hampi, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, पहली जो है भारतीय बनी है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है FIDE World Blitz Championship में। Which state has clinched the title by defeating Odisha 6-5 in the Khelo India Youth Game 2022 का अवार्ड उन्होंने जीता? मध्य प्रदेश ने किसको हरा के दोस्तों जीता है, आपका कमेंट करना है, बल्कि मैं बता ही देता हूँ, लिखा ही हुआ उड़ीसा को हरा के इन्होंने, मध्य प्रदेश ने ये खेलो इंडिया यूथ 2022 गेम्स जीते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों एक मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क फॉर द पीरियड 2023-25, इस जो स्ट्रेटजी है इसका नाम है उत्कर्ष 2.0, और इट वॉज लॉन्च बाय जो श्री शक्तिकांत दास है जो कि गवर्नर है RBI के, लॉन्च किया है इसको। Which bank has partnered with SBI card to launch co-brand credit card for its customer? तो पंजाब एंड सिंध बैंक ने इसका पार्टनरशिप किया है SBI बैंक के साथ में। बांग्लादेश ने लॉन्च किया है पहली मेट्रो रेल सर्विस कैपिटल ढाका में।
इन द ईयर 2022 दिसंबर। तो विच कंट्री फंडेड द मेट्रो रेल प्रोजेक्ट? जापान ने सपोर्ट किया है बांग्लादेश को। जापान की कैपिटल, बांग्लादेश की कैपिटल और दोनों के प्राइम मिनिस्टर या फिर हेड ऑफ द स्टेट मुझे बताना है। विच स्टेट हैज़ वॉन द खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 वीमेंस, ठीक है, अंडर 18 क्वालिफायर्स आफ्टर डिफीटिंग मध्य प्रदेश। तो हरियाणा ने दोस्तों जीता है वीमेन में, और मेंस में जीता था मध्य प्रदेश ने उड़ीसा को हरा के। अगेन दोस्तों इंपॉर्टेंट, हु बिकम्स फर्स्ट पर्सन एवर टू लूज $200 बिलियन? तो एलन मस्क वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी ज़्यादा संपत्ति एक तरह से लूज कर दी है, ठीक है। लोग तो इतना कमाने के लिए तरसते हैं, बट वो बंदा एक अलग ही लेवल का है। नेक्स्ट, विच ईयर अनाउंस एज अ ईयर ऑफ मिलेट 2023? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईयर 2023 को यूएन ने ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया है, वो भी ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड ऑल्सो, ठीक है। इंडिया एंड डैश पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर एसेट्स एंड प्रिजन इनमेट्स। हु वाज स्वॉर्न इन एज अ ब्राजील प्रेसिडेंट? तो लुइस इनासियो लुला दा डिसिल्वा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्राज़ील में काफ़ी हलचल रही, और ये मुझे बताना है ब्राज़ील कौन से कॉन्टिनेंट का कंट्री है। नेक्स्ट है, हाउ मच GST कलेक्शन? 149 लाख करोड़ दोस्तों GST कलेक्शन हुआ दिसंबर 22 में। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, दिस ईयर विच एडिशन ऑफ द ढाका लिटरेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन बांग्लादेश 10th? नॉट सो इम्पॉर्टेंट, यूनियन होम एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर अमित शाह हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट विच स्टेट? कर्नाटका। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फैमिली डे कब सेलिब्रेट होती है? 1 जनवरी को, नई साल पे। द वॉल्यूम ऑफ द UPI ट्रांजेक्शन, ये दोस्तों 12.82 ट्रिलियन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और ये टोटल अमाउंट है दोस्तों UPI ट्रांजेक्शन्स का। रिसेंटली बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया BCCI ने एक डेक्सा नाम का एक सिलेक्शन क्राइटेरिया रिकमेंड किया है। डेक्सा क्या है दोस्तों? बोन डेंसिटी स्कैन है, कि आपकी जो बोन्स हैं उसकी कितनी डेंसिटी है, और भागने दौड़ने में फिटनेस में वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन इन कोलकाता। विच आर्म्ड फोर्स हैज सेलिब्रेटेड जश्ने चिलाए कलान विद स्टूडेंट इन श्रीनगर CRPF? डिफेंस DRDO हेडक्वार्टर जिसका दिल्ली में है, उन्होंने अपनी 65वीं फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करी। कब करते हैं दोस्तों? 1 जनवरी, ठीक है। तो DRDF का जो फाउंडेशन है दोस्तों 1 जनवरी को सेलिब्रेट होता है फाउंडेशन डे, ठीक है। नेम द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी काकी माधव राव। विच कंट्री हैज स्विच टू यूरो एंड द एंटर्ड यूरो पासपोर्ट फ्री जोन? टू इंपॉर्टेंट माइलस्टोन फॉर द कंट्री आफ्टर ज्वाइनिंग यूरोपियन यूनियन नियरली अ डिकेड अगो। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्रोएशिया ने इसको ज्वाइन कर लिया है और यूरो को स्विच कर लिया एक तरह से करेंसी में। इलेक्शन कमिश्नर्स लॉन्च मिशन 929 टू टेक ओवर वोटर टर्न अराउंड इन 2/90। तो त्रिपुरा में दोस्तों ये मिशन लॉन्च किया गया, जिससे कि जो 90 साल से ऊपर वाले जो वोटर्स हैं उनको भी वो वोट डालने के लिए एक तरह से प्रेरित कर पाएँ। अकॉर्डिंग टू द कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द कॉफ़ी फ्रॉम इंडिया रोज बाय हाउ मच परसेंट? 1.66%। इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द ईयर 2022 दिसंबर वो इंक्रीज़ हो गया दोस्तों 8% से 8.3%। नवंबर में 8% था, 8.3% दिसंबर में। नेक्स्ट दोस्तों, हु हैज़ इनॉग्रेटेड 108th इंडियन साइंस कांग्रेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? मोदी जी ने, आपको मुझे बताना है कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया या उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दोस्तों इसको इनॉग्रेट किया। हाइड्रोजन ब्लेंडेड PNG प्रोजेक्ट स्टार्ट्स ऑपरेशन एट विच स्टेट? गुजरात। डैश बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया एंड द सेकेंड इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन। ये चाइना दोस्तों पहला एशियन कंट्री है जहाँ पे हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है वो चलने लगी है। पहली कंट्री जर्मनी है दोस्तों, और इंडिया ने भी ये प्रोग्राम है या उसका ये लॉन्च टारगेट है कि दिसंबर 2023 तक ये भी हाइड्रोजन पावर ट्रेन इंडिया में चलने लगेगी, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी ने ऐलान किया है।
विच कंपनी हैज़ टॉप टू प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर? ONGC दोस्तों सबसे नंबर वन पे रही है प्रॉफिट बनाने वाली पब्लिक सेक्टर कंपनी। विच बैंक इज पार्टनरिंग विद माइक्रोसॉफ्ट इन द नेक्स्ट फेज ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? HDFC बैंक। हाउ मैनी इलेक्ट्रिक बसेज वर लॉन्च्ड इन दिल्ली विद सपोर्ट अंडर द फेम इंडिया फेज सेकेंड स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज? 50 बस। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड द सियोम ब्रिज। दिस ब्रिज इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों इसको ऑपरेट किया गया। वो बिकम्स द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन? अगेन दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये। इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ स्टार्टेड द प्रोसेस फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 100 मोर K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्सर विच आर बिल्ट इन इंडिया बाय द L&T यूजिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्ड फ्रॉम साउथ कोरिया डिफेंस मेजर हनवा डिफेंस। तो K9 वज्र दोस्तों ये इम्पोर्ट करेंगे और 100 नंबर्स में। वर्ल्ड ब्रेल डे दोस्तों सेलिब्रेट होता है 4 जनवरी को और 2019 से इसको सेलिब्रेट करते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ प्रपोज टू बैन एडवर्टाइजमेंट ऑफ द ऑनलाइन बैटिंग साइट्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब एज पर द ड्राफ्ट रूल? तो इन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है इन्होंने इसको बैन कर दिया गया है, जिससे बैटिंग के जो प्रमोशन होते हैं जैसे ड्रीम इलेवन वगैरह दुनिया भर के बैटिंग प्रमोशन चल रहे हैं आजकल, इनको सबको एडवर्टीजमेंट को बैन कर दिया गया है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड CM सुक्षारे साहित्य कोश? तो इसका दोस्तों सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनाग्रेटेड संविधान उदय एट द संविधान उद्यान एट राजभवन इन राजस्थान में इसको इनाग्रेट किया गया। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड 2 प्रोग्राम नेम्ड दिदीर सुरक्षा कवच एंड दिदीर दूत अहेड ऑफ द 2023 पंचायत पोल? तो इसका नाम है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी जी। विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड इमोइनू इरतपा फेस्टिवल? मणिपुर दोस्तों इसका सही उत्तर। और जो संगाई फेस्टिवल है ये भी दोस्तों मणिपुर में ही सेलिब्रेट किया जाता है। हु हैज़ अज्यूम्ड द चार्ज एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन? अप्पू डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए। फॉक्स सिंगर मैथिली ठाकुर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट आइकन फॉर विच स्टेट? बिहार के लिए इनको स्टेट आइकन अपॉइंट किया गया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द बैंक ऑफ सिंगापुर? जेसॉन मू। नॉट सो इम्पॉर्टेंट बात याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। विच IIT हैज़ कोलेबरेटेड विद DRDO टू डेवलप एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी? IIT मद्रास के साथ में कॉपरेशन है। सुमित्रा सेन जो रिसेंटली पास हो गई एंड शी वॉज अ सिंगर। तो ये ओबिचुरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। विच ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड विच विल प्रोवाइड यूजफुल इनपुट्स फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे को लॉन्च किया। हाउ मैनी ओवरसीज इंडियंस आर अवॉर्डेड दिस ईयर बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर प्रवासी भारतीय सम्मान दिवस? ये इंपॉर्टेंट सवाल है 27। और ये दोस्तों 9 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट होता है जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। और ये दोस्तों 17वां एडिशन था इस बार प्रवासी भारतीय दिवस का। विच स्टेट वॉन द UN हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर जागा मिशन? उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर है। कुलदीप सिंह पठानिया सेट टू बिकम द नेक्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है, ये कांग्रेस के हैं और इनके जो स्पीकर हैं नए कुलदीप सिंह पठानिया। पिछली बार भी दोस्तों सवाल आया था स्पीकर्स के ऊपर उनका मैचिंग करना, तो हो सकता है UPPC 2023 में सवाल पूछा जाए। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द ओडा कुजल अवार्ड 2022 फॉर इस कलेक्शन ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज टाइटल प्राणवायु? तो अंबिका सुथान मंगट। विच स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री राइस फॉर 1 ईयर अंडर द स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम? ओडिशा इसका सही उत्तर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। प्रेसिडेंट मुर्मू इनाग्रेट द 18th नेशनल जम्बोरी ऑफ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स इन राजस्थान। यूनियन कैबिनेट अप्रूव नेमिंग ऑफ मोपा एयरपोर्ट आफ्टर मनोहर पर्रिकर। ये दोस्तों अगेन इंपॉर्टेंट है, मनोहर पर्रिकर जी के नाम पे मोपा एयरपोर्ट का नाम आप दोस्तों एक तरह से पर्रिकर एयरपोर्ट उन्होंने रख दिया है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। 19,744 करोड़ का दोस्तों ये मिशन है और इस मिशन का जो मेन मोटो है वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले सोर्सेज से इस हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड 17 मेंबर हाई पावर्ड कमेटी टू प्रोटेक्ट लद्दाख कल्चर लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नित्यानंद राय. अगेन इम्पॉर्टेंट. बंधन बैंक हैज़ लॉन्च इस जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट कैंपेन. हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर? सौरभ गांगुली जी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अम्बेडकर ए लाइफ? शशि थरूर. दोस्तों इम्पॉर्टेंट है ये. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑर्गेनाइज फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर. उसका थीम है विजन, वाटर विजन 2047. ये भोपाल में दोस्तों ऑर्गेनाइज हुआ. नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स इज ऑब्जर्व ऑन एवरी ईयर 6 जनवरी को विद एन एम टू रेज अवेयरनेस अबाउट चिल्ड्रन ऑर्फंड इन वार्स. तो जो दोस्तों बच्चे अपने माँ बाप को खो देते हैं युद्ध में, तो उनके लिए एक डे सेलिब्रेट होता है 6 जनवरी को. विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड द पाम लीफ? तो विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड द पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम, जो कि केरला में लॉन्च किया गया है. ठीक है, इनॉग्रेट किया गया पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट. हु बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू टेक ए हैट्रिक इन द ओपनिंग ओवर एट द रणजी ट्रॉफी हिस्ट्री? जयदेव उनटकर. दोस्तों इंपॉर्टेंट है अगेन ये. कौन सी स्टेट से खेलते हैं जयदेव उनटकर, आप मुझे कमेंट करके बताइए. ऑस्ट्रेलियाज बेलिंदा क्रॉक हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू हैव अ स्टैच्यू कास्ट इन हर ऑनर. अ ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ द ट्रेल ब्लेजिंग फॉर्मर कैप्टन अनवील्ड आउटसाइड द सिडनी क्रिकेट ग्राउंड. तो बेलिंदा क्रॉक जो प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, उनको इनकी स्टैचू बनाई गई है और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के बाहर. और ये पहली ऐसी महिला क्रिकेटर हो गई जिनकी स्टैचू वहाँ पर बनी हुई है. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन एनाटॉमी? डॉक्टर ए के द्विवेदी. हु हैज़ बीन नेम्ड इंडिया 79th ग्रैंड मास्टर? प्रणेश एम. ठीक है, तो प्रणेश एम आपका नाम याद रखना है दोस्तों. ये 79वें ग्रैंड मास्टर है इंडिया के. द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH हैज साइंड ए पार्टनरशिप विद डैश फॉर द अपकमिंग FIH ओडिशा हॉकी मैच. तो इन्होंने GSW ग्रुप के साथ पार्टनरशिप किया गया. तो आपको मुझे बताना है, ये तो अब कंप्लीट हो चुका है, जो FIH जो वर्ल्ड कप है इस बार जो इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ, उसको जीता किसने? हु वॉन द ट्रॉफी वर्ल्ड कप FIH 2023? इसरो एंड माइक्रोसॉफ्ट जॉइंस हैंड्स टू गिव इंडिया स्पेस टेक इकोसिस्टम ए बूस्ट. यूनाइटेड स्टेट्स अप्रूव वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर द डिक्लाइन हनी बीज. ये जो सो इम्पॉर्टेंट है, जो वहाँ पे हनी बीज की जो पॉपुलेशन वो डिक्लाइन हो रही है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने एक वैक्सीन अप्रूवल करी है और ये पहली वैक्सीन है दुनिया की. हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया जैम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल? श्याम मेहरा. नॉट सो इम्पॉर्टेंट, याद रखना, याद रख सकते हैं. यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ इनॉग्रेटेड 3-डे नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 मेघालय में. दोस्तों इसको इनॉग्रेट किया गया. हाउ मेनी मॉन्यूमेंट्स आउट ऑफ 3693 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैव गॉन मिसिंग? ठीक है, तो दोस्तों ये बड़ा आश्चर्यचकित डेटा है कि 3693 मॉन्यूमेंट्स में से 50 मॉन्यूमेंट्स गायब हो गई हैं एज पर द रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो कि अंडर द प्रोटेक्शन सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है. तो हिंदुस्तान में दोस्तों ये भी है एक फैक्ट. विच सिटी हैज़ वॉन द बेस्ट पुलिस यूनिट? तो कौन सी सिटी की पुलिस को बेस्ट पुलिस यूनिट मिला है दोस्तों? नागपुर पुलिस को 2021 के लिए. हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद असम स्टेट हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव? तो ये दोस्तों मिला है डॉक्टर तपन साइका को, साइकिया. द बुक रेवोल्यूशनरी इज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम. इस बुक के जो ऑथर हैं दोस्तों संजीव सानियाल जी हैं. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशिया पैसिफिक? तो ये दोस्तों अभी भी कवर किया था, आई थिंक पिछला भी क्वेश्चन था ये. तो अप्पू के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, इनको विनय प्रकाश सिंह जी को बनाया गया है. आपको मुझे बताना है जो अप्पू है इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है और ये क्या काम करता है. द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंक्लूसिव फेस्टिवल इन इंडिया पर्पल फेस्ट. दोस्तों कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? गोवा में सेलिब्रेट किया गया पर्पल फेस्ट. विच हैज़ बिकम द फर्स्ट ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर टू रिसीव ए डेट ब्रोकरेज लाइसेंस फ्रॉम सेबी? तो गोल्डन PI दोस्तों एक प्लेटफॉर्म है जो कि ये सब प्रोवाइड करता है. नॉट सो इम्पॉर्टेंट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गेव इट्स अप्रूवल टू SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड टू एक्वायर अप टू डैश स्टेक इन इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक थ्रू द स्कीम ऑफ SBI म्यूचुअल फंड. तो इक्विटास में 9.99% का स्टेक होल्डिंग कर सकता है SBI, उसका अप्रूवल मिल चुका है. सीरियम इशूड अ लिस्ट ऑफ टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स ऑफ 2022, जिसमें के भारत के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेकेंड रैंक मिला है, बेंगलोर कैंपकोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कर्नाटका में है.
नेक्स्ट है दोस्तों, विच एडिशन ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस, अभी मैंने आपको बताया था 17वां एडिशन सेलिब्रेट किया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बिगन कास्ट सर्वेस, बिहार में दोस्तों जो है कास्ट सर्वे किया जाएगा, मतलब जाति मतगणना होगी बिहार में, जाति मतगणना मतगणना। तो भारत में भी दोस्तों सेंसस पेंडिंग था 2021 का, जो अभी तक हुआ नहीं है। अ मिलिट्री टैटू एंड द ट्राइबल डांस फेस्टिवल आदि शौर्य पर्व पराक्रम का विल बी हेल्ड इन विच सिटी, न्यू दिल्ली में दोस्तों इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, और बल्कि किया गया 23-24 जनवरी को। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल इशू सोवराइन ग्रीन बॉन्ड ऑफ हाउ मच रुपीज इन टू ट्रेंचेस ऑन January 25 and February 9 को। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, 8,000 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड दोस्तों सोवराइन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा RBI की तरफ से 25 January और 9 February को, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। Who has elected as a speaker of the US House of Representative? Again, this is important. Kevin McCarthy. तो Kevin McCarthy से पहले जो Nancy Pelosi थी, जिन्होंने ताइवान की विजिट करी थी, उसके ऊपर काफ़ी बवाल रहा था, तो Kevin McCarthy वहाँ पर अभी UN स्पीकर हो गई हैं House of Representative में। According to the Public Enterprises Survey 2021 released in January 2023, Power Grid Corporation of India has been ranked first in the service sector. तो दिस इज इंपॉर्टेंट, पावर ग्रिड को नंबर वन सर्विस सेक्टर के मामले में नंबर वन रखा गया है। प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू लेड फाउंडेशन स्टोट ऑफ 1000 मेगावाट बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट एट जयपुर। द प्रोजेक्ट इज इंप्लीमेंटेड बाई SJVN लिमिटेड कंपनी, आपको याद रखनी है। स्क्वाड्रन लीडर अवानी चतुर्वेदी द फर्स्ट फीमेल फाइटर इन द इंडियन एयरफोर्स इज स्केड्यूल्ड टू पार्टिसिपेट इन द इनॉग्रल एयर एक्साइज वीर गार्जियन। तो वीर गार्जियन दोस्तों जो एक्साइज है, ये हम सेलिब्रेट करते हैं या हम लोग करते हैं जापान के साथ में। हु वॉज अवॉर्डेड द अवार्ड फॉर द ग्लोबल लीडरशिप इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज लाइफ टाइम ऑफ सर्विस टू द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड बाय द हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन। तो ये हमारे जो प्रेजेंट में CGI हैं DY चंद्रचूड़ जी, ये दोस्तों 50th नंबर के CGI हैं DY चंद्रचूड़, और जो इनके पिताजी थे YV चंद्रचूड़, वो दोस्तों भारत के अभी तक के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग CGI रहे हैं। इंडियाज फर्स्ट एवर कोल गैसिफिकेशन प्लांट दोस्तों शुरू किया गया ओडिशा में। तो आज की ये वीडियो में दोस्तों हमने 100 सवाल कवर करे, आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस PDF को कंप्लीट करेंगे, करीब मोर देन 300 सवाल हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपके जितने भी जो फैक्ट बेस्ड सवाल हैं वो छूटेंगे नहीं यहाँ से। तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए, चाहे हम स्टेट PCS कोई भी बात करें, UPSC हो गया, बिहार PCS, MP PCS, उस सब के लिए दोस्तों ये वीडियो ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।